हेलो एवरीवन, क्लास ट्वेल्थ विषय हिंदी सीबीएसई। डियर स्टूडेंट, पूर्व क्लास में हमने लेसन नंबर 9 स्टार्ट किया था, रुबाइयाँ। इसके दो भाग हैं, रुबाइयाँ और गज़ल। ठीक है, मैंने दो पद आपको पूर्व क्लास में समझा दिए थे कि किस तरीके से फिराक गोरखपुरी ने रुबाइयाँ शीर्षक में, ठीक है, प्रेम की सुंदर झांकी प्रस्तुत की गई है। वात्सल्य प्रेम की, एक माँ बेटे के प्रति दुलार का सजीव चित्र। कवि ने कहा, देखिए, आंगन में लिए चांद के टुकड़े को खड़ी, आंगन में अपने चांद के टुकड़े अपने बेटे को लेकर एक माँ खड़ी हुई उसे दुलार रही है। वे अपने कलेजे के टुकड़ों को हाथ में लेकर हवा में उछाल उछाल कर गोद में लेकर तरह तरह से दुलार रही है। बीच बीच में बच्चों की किलकारियों से उछाल उछाल कर गोद में लेकर तरह तरह से दुलार रही है और माँ कितनी प्रसन्न हो रही है और बच्चे की किलकारियों से पूरा आंगन गूंज रहा है। ठीक है, दूसरे पद में क्या पढ़ाया, नहलाके छलके निर्मल जल से उलझे हुए केसुओं में कंघी करके किस प्यार से देखता है बच्चा मुँह को जब घुटनियों में लेके पहनाती है कपड़े। देखिए कवि क्या कह रहा है कि माँ अपने लाडले को स्वच्छ जल से नहलाती है, उसके उलझे हुए बालों में कंघी करके उसे सुलझाती है। माँ अपने नन्हे बच्चे को निहार निहार कर तृप्ति का अनुभव कर रही है। जब वे उसे घुटनों से लेकर कपड़े पहनाती है तो बच्चा माँ को निहार कर, ठीक है, जब घुटनियों में लेके पहनाती है कपड़े किस प्यार से देखता है बच्चा मुँह को, अर्थात बच्चा माँ के मुँह को बड़े ही प्रेम से देखता है। यहाँ तक बेटा मैंने पूर्व क्लास में आपको समझा दिया था। ठीक है, अब इससे आगे देखिए, दिवाली की शाम घर पुते और सजे, दिवाली की शाम घर पुते और सजे, चीनी के खिलौने जगमगाते लावे, वो रूपवती मुखड़े पर एक नर्म दमक बच्चे के घरौंदे में जलाती है दिए, दमक चमक। ठीक है, घरौंदा घर, बच्चे के घरौंदे में, घरौंदा मीन्स घर, दिए दीपक, ठीक है, दिए दीपक, मुखड़ा चेहरा। ठीक है, देखिए इसमें कवि ने प्रस्तुत रुबाइयों में कवि फिराक गोरखपुरी ने खिलौनों के प्रति बच्चों को चित्रित किया गया है कि बच्चों का खिलौनों के प्रति क्या मोह होता है। दिवाली की शाम घर पुते और सजे हुए, कवि कह रहे हैं कि बच्चे प्राय अपने माता पिता से खिलौनों की फरमाइश करते रहते हैं। अक्सर छोटे बच्चे अपने माता पिता से तरह तरह के खिलौने लेने की फरमाइश करते रहते हैं, पर गरीब बच्चों की ये इच्छा केवल त्योहारों पर ही पूरी होती है। दिवाली की शाम घर पुते और सजे, कवि क्या कह रहे हैं, दिवाली के पर्व पर घरों को रंग सफ़ेद करके चमकाया जाता है, तरह तरह से उन्हें सजाया जाता है। दिवाली की शाम घर पुते और सजे, ठीक है, चीनी के खिलौने जगमगात लावे। देखिए दिवाली पे हर घर साफ सुथरा सजाया जाता है, दिवाली के पर्व पर घरों को में रंग सफ़ेदी करके चमकाया जाता है, तरह तरह से उन्हें सजाया जाता है। इस पर्व पर बच्चों को भी चीनी के बने खिलौने मिल जाते हैं, ठीक है, चीनी के खिलौने जगमगात लावे, घर में चीनी के खिलौने आते हैं, बच्चों को भी मिल जाते हैं, उन्हें पाकर बच्चे बहुत प्रसन्न होते हैं। वो रूपवती मुखड़े पे एक नर्म दमक, कवि कह रहा है कि इस पर चीनी के खिलौने बच्चों को मिल जाते हैं, बच्चे भी प्रसन्न हो जाते हैं, उनके सुंदर मुख पर चमक लौट आती है। इस तरह दिवाली पर बच्चों के घरौंदों में जलाती है दिए, इस तरह दिवाली पर, कवि क्या कह रहा है कि गरीब अमीर सभी के घर
प्रकाश से जगमगा उठते हैं। इस पर्व पर बच्चों को भी चीनी के खिलौने मिल जाते हैं तो उन्हें पाकर वे बहुत अधिक प्रसन्न हो जाते हैं, ठीक है। और कवि क्या करें, दिवाली के पर्व पर घरों को रंग करके सफ़ेदी से चमकाया जाता है, तरह तरह से उन्हें सजाया जाता है, ठीक है। ये दिवाली पे हर पर्व पर हर व्यक्ति अपने घर को साफ सुथरा करता है, पेंट करता है, सजाता है, ठीक है। दिवाली की शाम घर पुते और सजे, चीनी के खिलौने जगमगात लावे, ठीक है। दिवाली के दिन सबके घर, कवि क्या कह रहे हैं, दिवाली के पर्व पर सबके घर रंग सफ़ेदी करके चमकाए जाते हैं, सभी के घर में चीनी के खिलौने आते हैं और वो बच्चे उस दिन प्रसन्न हो जाते हैं। उन चीनी के खिलौनों को पाकर उनके सुंदर मुख पर चमक लौट आती है। इस तरह दिवाली पर गरीब अमीर सभी घर के घर पर प्रकाश जगमगाता है। भाषा सरल है, ठीक है, कवि की कल्पना शक्ति बेजोड़ है, बाल सुलभ चेष्टाओं का सुंदर वर्णन किया गया है। नेक्स्ट देखिए, आंगन में ठुनक रहा जिदियाना है बालक तो हुई चांद पे ललचाया है, दर्पण उसे देखे कह रही माँ देख आईने में चांद उतर आया है। देखिए कवि क्या कह रहा है, आंगन में ठुनक रहा है, जिद आया है बालक तो हुई चांद पे ललचाया है, ठीक है। दर्पण उसे देखे कह रही माँ देख आईने में चांद उतर आया है। हार्ड वर्ड देखिए बेटा, ठुनक रोना, ठुनक मीन्स रोना, ठीक है। नेक्स्ट जिद आया हट करना, ठीक है। आईना शीशा, ओके। पे मीन्स पर, ठीक है। कवि क्या कह रहा है, देखिए दोबारा हार्ड वर्ड देखिए, ठुनक रोना जिद आया हट करना, ठीक है। नेक्स्ट आईना शीशा, पे मीन्स पर, ठीक है। इसमें कवि क्या कह रहा है, नन्ना बालक आंगन में चांद पाने की जिद करके ठुनक रहा है, आंगन में ठुनक रहा है, ठीक है, जिद आया है। कवि क्या कह रहा है कि आंगन में ठुनक रहा है, जिद आया है, एक नन्ना सा बच्चा अपने घर के आंगन में जिद करके बैठा है, बाल हट कर रहा है। माँ सरल उपाय निकाल लेती है, क्या बाल हट कर रहा है नन्ना बालक आंगन में चांद पाने की, बालक तो हुई चांद पे ललचाया है। बच्चा, अब छोटे बच्चे को क्या समझ, बच्चे तो कोई भी जिद कर लेते हैं, छोटा सा बच्चा चांद को पाने की जिद कर रहा है अपनी माँ से कि मुझे तो चांद चाहिए। अब माँ भी एक उपाय ढूंढती है, क्या करती है कि उसके हाथों में दर्पण थमा देती है, उपाय निकाल लेती है, वह उसके हाथ में शीशा थमा देती है, ठीक है। दर्पण उसे देके कह रही है माँ उसे दर्पण देकर कह देती है, जिससे चांद का प्रतिबिंब उसे दर्पण में दिखाई देता, दर्पण उसे दे कह रही है माँ देख आईने में चांद उतर आया है। माँ उसे शीशा दिखाती है और, ठीक है, शीशे में उसे चांद की परछाई दिखाती है और माँ उसे कहती है देख चांद शीशे में उतर आया है। अर्थात किस तरीके से माँ अपने बच्चे की हट को पूरा करती है। देखिए एक छोटा सा बच्चा घर के आंगन में देख आईने में चांद उतर आया है, घर के आंगन में चांद को लेने की जिद कर रहा है, बाल हट का माँ सरल उपाय निकाल लेती है, वह उसके हाथों में दर्पण समा देती है, शीशा दे देती है, जिससे चांद का प्रतिबिंब उसे दर्पण में दिखाई देता है। इस तरह माँ उससे कहती है कि आकाश में चांद उसके दर्पण में ही आ गया है, अतः वह अब हट करना छोड़ दे। शिशु की डांट फटकार से नहीं,
प्यार से ही मनाया जा सकता है। देखिए भाषा, सरल भाषा का प्रयोग किया गया है, बालक का सुंदर चित्रण किया गया है, शिशु की कोमल भावनाओं का हृदयग्राही वर्णन है, ठीक है, वात्सल्य रस व माधुर्य संपन्न भाषा है, छोटे छोटे शब्दों के प्रयोग से काव्य को बहुत ही सुंदर बनाया गया है। ठीक है बेटा, समझ आ गया यहाँ तक। अब इसके आगे देखिए, नेक्स्ट, रक्षाबंधन की सुबह। रक्षाबंधन की सुबह, रस की पुतली छाई है, घटा गगन की हल्की हल्की बिजली की तरह चमक रहे हैं लच्छे, भाई के है बांधती चमकती राखी। देखिए रक्षाबंधन की सुबह, रस की पुतली छाई है, घटा गगन की हल्की हल्की बिजली की तरह चमक रहे लच्छे, भाई के बांधती चमकती राखी। अब देखिए इसमें कवि क्या कह रहे हैं, कवि गोरखपुरी जी, कि रक्षाबंधन की सुबह, रस की पुतली छाई है, घटा गगन की हल्की हल्की। तो इसके आर्टवर्क देखिए, लच्छे, लच्छे मीन्स लड़ियाँ, ठीक है, घटा बादल, घटा बादल, ठीक है, गगन आसमान, पुतली पुती हुई, पुतली पुती हुई। देखिए कवि क्या कह रहे हैं, रक्षाबंधन की सुबह, रस की पुतली छाई है, घटा गगन का हल्की हल्की। कवि इसमें, कवि फिराक गोरखपुरी जी रक्षाबंधन और सावन की झड़ी का संबंध व्यक्त कर रहे हैं। इन पंक्तियों में कवि गोरखपुरी ने, फिराक गोरखपुरी ने रक्षाबंधन और सावन की झड़ी का संबंध व्यक्त किया है। रक्षाबंधन और सावन की झड़ी का संबंध व्यक्त किया, क्या कहा है, रक्षाबंधन भाई बहन के प्रेम का प्रतीक है। रक्षाबंधन की सुबह, रस में डूबी पतली। कवि कह रहा है कि रक्षाबंधन भाई बहन के प्रेम का प्रतीक है, इस दिन भाई बहन की आंखों में स्नेह भाव देखता ही बनता है। उधर आकाश में काली घटा छा जाती है, रक्षाबंधन की सुबह, रस की पुतली। कवि क्या कह रहे हैं, रक्षाबंधन जो है वो भाई बहन के प्रेम का प्रतीक है, इस दिन भाई बहन की आंखों में स्नेह भाव देखता है। उधर आकाश में बिजली की तरह धमक रहे हैं लच्छे, उधर आकाश में काली घटा छा जाती है, बिजली चमकने लगती है। कवि आकाशीय बिजली और रक्षाबंधन का मेल दिखाते हुए कहते हैं, क्योंकि सावन के दिनों में बारिश होती है, बिजली जब गरजती है, कवि क्या कह रहे हैं, आकाश में काली घटा छा जाती है, बिजली चमकने लगती है। कवि आकाशीय बिजली और रक्षाबंधन का मेल दिखाते हुए कहते हैं, जिस प्रकार भाई के है बांधती चमकती राखी, जिस प्रकार भाई के हाथ पर बंधी राखी के लच्छे चमकते हैं, ठीक है, जिस प्रकार भाई के हाथ में बंधे हुए राखी के लच्छे चमकते हैं, ठीक है, वैसे ही आकाश में बिजली चमकती है। कवि ने यह बताने का प्रयास किया है कि घटा का जो संबंध बिजली से है, वही संबंध भाई का बहन से है, ठीक है, भाई के बांधती चमकती राखी। कवि कह रहा है कि जो संबंध, ठीक है, घटा का जो संबंध बिजली से है, वही संबंध भाई का अपनी बहन से है। रक्षाबंधन की सुबह, रस की पुतली। कवि कहता है कि रक्षाबंधन भाई बहन के प्रेम का त्यौहार होता है, ठीक है, रक्षाबंधन और सावन की झड़ी का संबंध व्यक्त किया गया है, ठीक है। कवि ने क्या कहा कि उधर आकाश में काली घटा छा जाती है, बिजली चमकने लगती है। कवि आकाशीय बिजली और रक्षाबंधन को के मेल दिखाते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार छाई है घटा गगन में हल्की सी, बिजली की तरह दमक रहे हैं लच्छे। कवि कह रहा है कि भाई के हाथ पे बांधी हुई राखी बिजली के लच्छों की तरह चमक रही है, ठीक है,
कवि ने बताया कि जो संबंध घटा का बिजली से है, वही संबंध एक भाई का अपनी बहन से है। ठीक है, अब इसका विशेष देखिए, भाई बहन के प्रेम की तुलना घटा बिजली से की गई है। भाई बहन के प्रेम की तुलना घटा और बिजली से की गई। हल्की हल्की में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, उपमा अलंकार के सुंदर प्रयोग किया गया है। ठीक है बेटा, ये रुबाइयाँ आपको यहाँ तक समझ आए कि कवि ने किस किस का वर्णन किया। पहले में प्रेम का वात्सल्य का वर्णन किया बच्चे का, फिर उसके बाद ये दिखाया कि किस तरह से बच्चा चांद को लेने की जिद करता है और माँ कैसे उसकी जिद को पूरा करती है। दर्पण उसे हाथ में दे देती है और दर्पण में जब चांद की परछाई दिखती है तो बेटे से कहती है, लो चांद जमीन पर उतर आया। ठीक है, दूसरे पद में कवि ने रक्षाबंधन और सावन की जड़ी के संबंध को व्यक्त किया। कवि ने कहा जिस तरह घटा का संबंध बिजली से होता है, उसी तरह भाई का संबंध अपनी बहन से होता है। ठीक है बेटा, तो ये रुबाइयाँ कंप्लीट हो गई हैं। ओके, इसके बाद अब आपकी इसी में ही दूसरा पार्ट है गज़ल। ठीक है, वो गज़ल मैं आपको कल समझाऊंगी। आज जो भी समझाया बेटा उसे अच्छे से कर लो। ठीक है, कोई डाउट हो अपने डाउट्स क्लियर कर लो। अपने डाउट आप लोग अपने मन में मत रखा करो बेटा, डेली के डाउट आप डेली क्लियर कीजिए। ठीक है, तो समझ आ गए दोनों पद, आज ये दोनों पद पढ़ाए आपको। ठीक है, कि किस तरीके से माँ अपने बच्चे को बहलाती है जब वो चांद लेने की जिद करता है, और कैसे राखी का संबंध सावन की घटा से बताया। ठीक है, कि जिस तरह घटा का संबंध बिजली से होता है, उसी तरह भाई का संबंध भी बहन से होता है। ठीक है के बेटा, जो भी ये वीडियो सेंड किए उसे अच्छे से सुनना समझना। कोई भी डाउट हो बेटा आप अपने डाउट ज़रूर क्लियर करें। ओके, थैंक यू बेटा।